माइक टेस्ट हाँ हो गया इतने में माइक टेस्ट हो गया ना मेरा बस ठीक है मेरे हिसाब से तो ठीक है बाकी मैं तो ये बोलना नहीं चाहता कि पोस्ट में देख लेंगे ये सारे लोग ना पीछे खड़े हंस रहे हैं अभी वो कह रहे हैं कि ये देखो अरे एक मिनट भाई माइक लगा रहा हूँ माइक लगाने की भी एक आर्ट होती है क्यों बस ये भास्कर यही बात है तो याद आएंगी ये फ्रेम के अंदर ही आके ले लो आप हमारी फोटो आज हमारा भी माइक लग रहा है अल्टीमेटली माइक मुझे ही लगाना पड़ा ये फिर कहेंगे कि यही यही फोकस भी क्लियर है तो भास्कर व्हाट्सअप Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Mask, Alistos. मैं यहाँ फैमिली हॉलीडे पे आया हुआ था सर ने बोला बहुत अच्छी लोकेशन है भास्कर कैमरा निकालो ये सारी आवाज अगर एक सेकंड कैमरा पैन करेगा तो ये क्या है ये बेसिकली ये डक्स है नहीं डक्स नहीं है गूज कहते हैं ना गूज गूज दैट्स राइट साइलेंस वो खौफ मुझे लगता है ये बारिश ना बुला लें कैसा लग रहा है भास्कर बिल्कुल स्टूडियो से बाहर आके आज आज बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है भास्कर और मैं जितने साल से काम कर रहे हैं मतलब कोई चीज बदलती देखी हो ना हो वो तो क्राफ्ट इन द वर्क तो है ही है सफेद बाल देखो इसके कितने आगे सफेद अब दिखेंगे नहीं सफेद दिखेंगे नहीं मैं पोस्ट में उड़ा दूंगा पोस्ट में उड़ा दूंगा नहीं अच्छा लग रहा है काफी हरियाली है ग्रीनरी है यहाँ पे आके हवाएं चल रही हैं और ये एसी के नीचे बैठे बैठे ना ये फ्रेश हवा भूल ही जाते हैं हम तो इट फील्स गुड कैसा लगता है जैसे लोग मतलब पूछते हैं कि एडिटिंग एक बहुत कूल जॉब है आपको बाहर नहीं निकलना आपको बिल्कुल बनी बनाई चीज शूट की हुई चीज आ रही है ना एंड आप मास्टर हो फिर फुटेज के क्योंकि फिर इट्स लाइक अ सर्जरी जो ये पहली बात कह कौन रहा है ये लोग बोल रहे हैं लोग जो चलो सर मैं दो चीजें बोलूंगा उन्हें पहले ही तो दूर के ढोल सुहावने ठीक है दूसरी चीज यस बेनिफिट्स हैं लेकिन आप ऊब जाते हो एक पॉइंट के बाद जितना बाहर घूम के बोर हो जाओगे नहीं होगे उतना ही आप अंदर बैठ के हो जाओगे चार दीवारी में आप कितनी इमेजिनेशन आपकी लिमिटेड हो जाती है काफ़ी चीज़ें हैं जो लिमिटेड हो जाती है तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में आके इंटरव्यू देना पड़ता है सो दैट क्रिएटिविटी मेंटेन रहे तो सच बता कि ऑन लोकेशन आना आप ज़्यादा अच्छा लगता है या बेटर करते हो प्रेफर करते हो कि ऑफ लोकेशन ही काम किया जाए सिंस एक ना मोनोटनी बिल्ड हो जाती है आप एक ही टाइम तक एक ही एनवायरनमेंट में रहते हो तो ऑन सेट आने की वजह से मेरा जो ऑफ सेट का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बूस्ट हो गया है अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऑन सेट बुलाया जाता है मैं इनफैक्ट सर को थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ ज़्यादा नहीं कि मुझे बुलाए सो दैट मेरा माइंड जो है वो रिफ्रेश होता रहे ऐसे तो लास्ट ऑन सेट लोकेशन किसका आगे मज़ा आया किसके ऑन सेट लोकेशन की क्या लोकेशन मुझे आरएफई अनप्लग्ड पे ना इंटरव्यू पे बुलाया था मुझे बड़ा अच्छा लगा नहीं लास्ट ऑन सेट लोकेशन हम किस पे गए थे उमंग के बाद किस पे गए थे उमंग के बाद तो अभी मतलब कौन कैमरा तो नहीं बोल सकते अच्छा ओके 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 वो नहीं बोल सकते ठीक है अभी तो चल रहा है ना काम नहीं नहीं बता दिया तो नहीं ठीक है जब आएगा तो ऑडियंस को पता लग जाएगा लास्ट सेट की अगर बात करें लास्ट तो, सेट्स सारे बता दो ना आपका ये शो मुझे आई थिंक उमंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था नेचुरली अपने चार दीवारें से निकल के हॉस्पिटल की चार दीवारों में जाना बड़ा ही रिफ्रेशिंग था अपने आप में एक एक्सपीरियंस था नेचुरली और उससे पहले हम अमृतसर के शेड्यूल पे गए थे वहाँ पे अमृतसर सिटी दरबार साहब दरबार साहब गए थे तो वहाँ पे जाकर के मन तृप्त हो जाता है जो और विजिट भी हो गया शूट भी हो गया एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे भी अच्छा ये बताओ पहले तो कि कितनी फिल्में एडिट कर ली हैं अब तक डू यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड आई डोंट 30+ आई थिंक हमने कर लिए शुरुआत है अभी तो बहुत 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 करना है अभी
ये अलग लेवल है इसकी ना, फॉली रिकॉर्ड कर लो इनके, ये तो गैंग है, बढ़िया है, आई लाइक इट। मेरे इंटरव्यू के लिए इतने इतने प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, इतना बजट है ना, माय गॉड, आई लाइक इट, आई लव इट, थैंक यू सर। लास्ट छुट्टी कब थी? मैं छुट्टियों पे ही हूँ, मेरे को तो लग रहा है मैं भी छुट्टियों पे हूँ, एज लॉन्ग एज मैं रूम से बाहर हूँ, स्क्रीन से दूर हूँ, मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। भास्कर, जैसे जो लोग नए अपकमिंग एडिटर्स हैं या जो अभी एडिटिंग में उतर रहे हैं, हाउ डू यू फील कि लाइफ हैज चेंज्ड फॉर यू, जैसे पहले थे 2014 से पहले और 2021 में, अब मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8वां साल है। वाह, 8 इयर्स गिनवा के ना। हाँ, ये मेरे बाल और दांत सफेद लग रहे हैं मुझे, है ना, तो ऑलमोस्ट 8th ईयर में है, हो गए हैं, तो कैसा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द चेंज दैट यू हैव फेल्ट? आई थिंक ग्रो किए हैं हम सभी, क्योंकि जो ये सर्कल जो अभी दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में अर्ली टाइम्स में एक्सपीरियंस कम था और काफ़ी यंग थे, तो ओवर टाइम काफ़ी ग्रोथ हुई है, काफ़ी काम किया साथ में, बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ ढकी हैं, तो नहीं, ऐसी टीम बिल्ड होती है, ऐसी ऐसी ही आई थिंक ग्रोथ होती है। तो सवाल क्या था, लगता है कि तो सवाल क्या था, नहीं पहले में और अब में क्या, व्हाट डू यू फील, क्या डिफरेंस? हाँ, वो था कि उस टाइम पे प्रेशर थे, उस टाइम पे शुरुआत हो रही थी, ठीक है, अब एक अचीवमेंट पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हम्बलनेस इतनी है, फील ही नहीं होता कि कुछ अचीव किया है, वो तो वेबसाइट पे दिखाई देता है कि अचीव किया कुछ, वेबसाइट पे जब खुद का काम देखने को मिलता है या जब लोग आते हैं बोलते हैं आपने ये किया वो किया है, मैं कहता चल ठीक है, बहुत कुछ अचीव करना है अभी, और एट ईयर्स हो गए हैं इस बात को, तो आने वाले टाइम में हाउ डू यू सी कि चीज़ें शेप हो रही हैं, एज कि जैसे हम टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हम जिस स्पेस पे काम कर रहे हैं कि राइट की जैसे, हाँ एक चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ, उस टाइम पे हमें जो हमारी लर्निंग की वो जील थी ना, जो आज भी है, उस टाइम पे रिसोर्सेज की लिमिटेशंस थी, माइंड में क्रिएटिविटी इतनी होती थी कि जो चीज़ों की मतलब नीड है नहीं है वहाँ पे भी हमने दिमाग लगा लेना है, निकाल लेना है किसी तरह। आज के टाइम पे रिसोर्सेज ही इतने हैं, मतलब बजट बजट आप बोलते रहते हो क्योंकि रिसोर्सेज इतने आ गए हमारे पास, आज जील है और रिसोर्सेज भी हैं और आएंगे, और पर ये रिसोर्सेज भी जो होते हैं कि जैसे अल्टीमेटली आप एक फिल्म का एंड प्रोडक्ट देखना चाहते हो, उसकी लोकेशंस को लेके, उनके एक्टर्स को लेके, फिल्म की राइटिंग को लेके, फिल्म की सेट को लेके, ये बहुत चीजें मुझे लगता है, नेगेटिव मैं नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ गई हैं चीज़ों की। उस टाइम पे ना हमें होता था कि बस हमें हमारा कैमरा है और जी हमने शूट कर दी, एडमिटेड बना दी, ठीक है। तो आज की डेट में अगर हमें सब लोगों को साथ लेकर चलना है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस वो तो बेटर आपको पता है, लेकिन काफ़ी टफ हो गया है ओवर टाइम, एडमिटेड का एडमिटेड जैसा ही कुछ एक नया बनाना, उसे बेंचमार्क है ना वो। हाँ, एक्चुअली डिफिकल्टी ये रहती है कि चैलेंज, ये कहूँगा मैं, देर इज नो डिफिकल्टी, इट्स अ चैलेंज कि जब इस लाइक की ना एक पोजीशन पे जाना, पहुँचना कहते हैं आसान है, लेकिन उस पोजीशन को मेंटेन करके रखना, उसको बरकरार करके रखना, वो चैलेंज है। कि जैसे ऑफिस में कहते हैं कि ये अगर फुटेज भास्कर के पास चली गई तो ये निकल जाएगी, ये सेल आउट हो जाएगी, ये सेफ्टी है। वो जो इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड थे ना, कि वह मिडल ऑर्डर में आना है और प्ले करना है, इट कम्स आउट ऑफ शियर ऑब्जर्वेंस। आई थिंक हमारी टीम में हर कोई जो कि लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और लंबे टाइम के लिए जुड़ के रहते हैं, वो सभी डिपेंडेबल हैं इक्वली, सभी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो भरोसा सभी पे किया जा सकता है, सब पे डिपेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं अभी तक सो फार, क्या कौन कौन से फिल्म्स रही हैं या कैंपेन्स रहे हैं जो बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, बहुत कम टाइम में ज़्यादा डिमांडिंग रहे हों, या जिसमें लेंथ भी एग्जॉर्बिटेंट हो और काम भी बहुत करने वाला हो, कैसा रहा है? लेंथ भी एग्जॉर्बिटेंट हो और काम भी करने वाला बहुत हो। एक तो ना एक जॉनर है, मैं अगर जॉनर की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो एक जॉनर है कॉमेडी जो कि हमने उतना नहीं टटोला
ठीक है, हमने आई थिंक गैग्स के तौर पे हमने जीएस लाइव बना दी थी, लेकिन प्रॉपर कॉमेडी अप्रोच जो हमने लिया था वो लकी कबूतर में लिया था, राइट? तो लकी कबूतर को आई थिंक सीन वाइज मल्टीपल सीन्स उसके, और आई थिंक उसके जो उम्दा एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी इतनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैं तो सेट पे रहता था, मुझे अच्छा मौका मिलता था सर की वजह से टू सी देम लाइव, सी देम देयर परफॉर्मेंस और उसके बेसिस पे एडिट करना, आई थिंक वो जॉनर जो ना ओवर एडिट ही हुआ था। हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि कॉमेडी जॉनर मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था उस टाइम भी, मैं तो गैग्स की तरह ही काट रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि सीन के हिसाब से क्या मोमेंटम रखना है, कहाँ कितना शोर रखना है, हर गैग्स में ठीक है वो एक ही मोमेंटम पे चलता है, उसमें आपको अप डाउन नहीं ग्राफ देना पड़ता, लेकिन फिल्म के तौर पर ना मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, इमोशनल सीन्स भी होते हैं, ऑडियंस को बोर करना भी ज़रूरी है टू गिव देम द नेक्स्ट पंच, ऑडियंस को सरप्राइज करना बड़ा ज़रूरी है, तो उस तौर पे बड़ा टफ था लकी कबूतर मेरे लिए, लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे वो मेरे ख्याल फर्स्ट कट के बाद, फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद जो फाइनल कट तक पहुँचे हम, तो काफ़ी हद तक रिफाइन हो गई थी, काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी एडिटिंग। 2014 से लेके अब तक जितनी भी फिल्म्स हमारी आई हैं, ये कैंपेन्स आए हैं, ये प्रोग्राम्स आए हैं, टॉक शो डिजिटल जितना कुछ भी आ रहा है, आरएफबी अनप्लग्ड भी आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स भास्कर के डिवीजन है, दे पोस्ट प्रोडक्शन एंटायर पूरा एडिट साउंड म्यूजिक एवरीथिंग, ये सफ़ेद बाल गवाह हैं इस बात के कि ये सारा काम इन्हें करना पड़ता है। ये सफ़ेद बाल गवाह है। कुछ था कि केक वॉक सा कोई प्रोजेक्ट निकला आज तक कि हाँ ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ईजी है, बिल्कुल लाइनअप के हिसाब से जाना है? आई थिंक एक प्रोजेक्ट था, मेरे को नाम नहीं याद कौन सा था, कर इतने लिए हम नाम ही नहीं याद नहीं है। एक 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 प्रोजेक्ट था, मक्खी बैठ रही नाक पे, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता मैं, 84 जो थी, क्योंकि मैं उसकी स्क्रिप्ट से इतना इन्फ्लुएंस था मुझे, क्योंकि वो रियल स्टोरी तो नहीं थी, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी, और वो मोशन में जाना बिकॉज ज़ुबान की है, लास्ट डेट की है ऑलरेडी, तो उन फिल्म्स के बाद उसी इमोशन में जाना ना, जो ग्रीफ है, जो टेरर है, वो दिखाना उसके अंदर मेरे लिए एक हद तक आसान था, हालांकि नए किरदार हैं, नई फिल्म है, वो तो अपने आप में चैलेंज रहता ही है, लेकिन वो उस माहौल में ढलना मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत किया था उसके। तो कैसे देखते हो 84 हमने एडमिटेड की बात की थी ना, 84 एडमिटेड की बात थी, हाँ तभी और भी ज़्यादा इजी था फिर तो एडमिटेड के 2 घंटे के कट्स के बाद मेरे को 84 बहुत इजी लगी। फुटेज आती है टेबल पे भास्कर, हाँ। की लाइनअप पे आती है, तो आप कैसे, आपकी अप्रोच क्या रहती है कि मेरे पास यू नीड अ स्क्रीन प्ले, यू नीड अ डिविजन, यू नीड अ नरेशन, ये कैसे, व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग टू गो टू? ठीक है, प्रोसेस के बारे में मैं प्रोसेस बताऊंगा, मैं ये वो वाली बात है कि शेफ से आप पूछ रहे हो रेसिपी क्या है, शेफ से रेसिपी नहीं पूछनी, शेफ से ये पूछना है कि अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो, रॉ मटेरियल आपके पास आता है, आप सबसे पहले उसका क्या करते हो? आई एम नॉट आस्किंग यू हाउ टू मेक द डिश, ओके, बट आपकी सिलेक्शन अप्रोच क्या रहती है, या आपके पास आपको लगता है कि यू नीड एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, या कैसे रहा है? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो मेरा एडवांटेज ये होता है, बाकी एडिटर्स को शायद नहीं ये एडवांटेज उतना मिलता कि मुझे सेट पे आने को मिलता है, सो आई ऑब्जर्व थिंग्स इन 3 डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि एडिटर्स बाय नेचर हम 2D देखते हैं, हम सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि फुटेज में क्या चल रहा है, सिलेक्शन के टाइम, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी पता होता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल थी, क्या चीज़ें दिख रही हैं, और जब मैं फुटेज की तरफ देखता हूँ तो मुझे पता होता है क्या, जो चीज़ें ब्लर हैं मुझे वो भी पता होता है कि पीछे क्या दिख रही हैं, ठीक है, तो उन क्योंकि अब हो सकता है कि आपको फिल्म में चीज़ें दिख जाए, और मतलब कि लोगों को तो पॉइंट करने का वो बहाना मिल जाता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है, उन चीज़ों को कवर अप कैसे करना है, कितना रखना है, कितना छोड़ना है, शॉट के टाइम पे, शॉट सिलेक्शन के टाइम पे मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि आपको जो मेरी मुझे सर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, जो डिटेल स्क्रिप्ट होती है, नेचुरली मैं अपने नोट्स भी डालता हूँ सेट पे, उसके बेसिस पे मैं शॉट सिलेक्ट करूँगा सीन वाइज, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हम सीन वाइज, और आई थिंक मोमेंटम वाइज, या कि इसमें थोड़ा सा ग्रीफ है, इसमें थोड़ा सैडनेस है, इसमें थोड़ा कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज प्रोसीजर के बाद फिर बेसिक लाइनअप डाला जाता है स्क्रिप्ट के बेसिस पे, आपके जो स्क्रीन प्ले है उसके बेसिस पे,
और उस लाइनअप के ऊपर फिर वर्क किया जाता है। मैं सर को वो कट देता हूँ फर्स्ट ड्राफ्ट जो कि पेपर के हिसाब से होता है, सो दैट उन्हें पता हो ये उनका विजन था जो पेपर पे था, अब ये वो टाइमलाइन के ऊपर हैं, ठीक है। अभी वो जो देख रहे हैं इसके अंदर भी कुछ भी ऐसा मिसिंग नहीं है जो कि मैंने ऑलरेडी शूट किया था या मैं चाहता था कि आए। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी काट दूंगा, इनको नहीं मिलेगा, तो वो एक टेंशन का बहाना बन जाता है, वो मैं नहीं देना चाहता, वो कोई भी एडिटर नहीं देना चाहता मुझे लगता है, ठीक है। आई थिंक पहला आपका प्रीव्यू जो है वो पेपर के हिसाब से होना चाहिए, आपके डायरेक्टर के विजन के हिसाब से होना चाहिए, उसके बाद डिस्कशन होती है कि आगे और मतलब इस फिल्म के ऊपर क्या फर्दर काम करना चाहिए, फिल्म हो वीडियो हो कुछ भी हो, ठीक है, इसके ऊपर फर्दर क्या काम क्या होगा वो डिस्कशन के बाद मीटिंग के बाद पता लगता है। मीटिंग शीटिंग तो चलती रहती है ना, चलती रहती है क्या, मीटिंग शीटिंग चलती रहती है। हाँ, अब हम करेंगे हाँ या ना में। मैं जो भी सवाल पूछूंगा जो मुझे लगता है पूछना चाहिए उसका जवाब हाँ या ना में देना है, मिड वे नहीं रखना हमने कोई, ठीक है जी। एडिटिंग करते टाइम कभी नींद आई है? हाँ। एडिटिंग करते टाइम कभी सो ही गए हो? ना। कभी कभी मन किया है फोन उठा के कहने का कि क्या बकवास शूट करके आए हो? हाँ, बार बार। कभी मन किया है कि फोन करके बोलूं कि बहुत बढ़िया शूट हुआ है और उसको एडिट करने में मजा आ रहा है? हाँ, और बोला है। कभी मन किया है कि उठा के फुटेज बनाने वाले के सर पे मार दूं और बोलूं कि ऐसा कूड़ा मत भेजा करो कभी कभी मेरे को? ना, इतना एक्सट्रीम नहीं जाता मैं। कभी कभी मन किया है कि इनको तो गिफ्ट भेजूं कि इन्होंने मेरा काम एडिट में आसान कर दिया, शूट इस तरीके से किया है। हाँ। मन किया है गिफ्ट देने का? गिफ्ट देना नहीं है, मन किया है बस। कभी कभार किसी एक्टर की परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा है कि यार ये एक्ट्रेस जो है या एक्ट्रेस जो है ये ऑफ स्क्रीन ऐसे लगते हैं बट ऑन कैमरा इनकी परफॉर्मेंस वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट, ऐसा हुआ है? ये काम, ये लोग मेरा काम आसान कर देते हैं, इनको काटने में लगता है कि अच्छा सॉरी मैं लंबा जवाब दे रहा हूँ, सवाल क्या था? हाँ, ऐसा लगा है कि वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस गई है। हाँ, ठीक है, आप बताओ इसके बारे में क्या। हाँ, मैं एक्चुअली ये क्योंकि ना एडिट करते टाइम वी ऑल्सो लुक एट द डिटेल्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हमें मोमेंटम देखना होता है कि एक तो सीन जो चल रहा है उसका मोमेंटम क्या है और जो एक्टर जो उसमें परफॉर्म कर रहा है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कितना इम्पैक्ट दे पा रहा है अपने डायलॉग डिलीवरीज के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, आई की फ्लिंच तक हमें पता लग जाती है कि कहाँ पे आपने शिफ्ट किया है। तो याद रहे एडिटर सब देखते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो काटते हैं वो सब डिटेल्स देखते हैं। तो जो एक्टर्स इतने पावरफुल होते हैं ना कि या नेचुरल होते हैं, पता नहीं क्या क्या स्किल है, क्या टैलेंट है इन लोगों का, कि तो ये काम काफ़ी आसान भी कर देते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है इनके सीन्स, इन लोगों के सीन्स काटना। अभी तक बाय फार अगर अपने ही काम को काउंट करना हो, विच हैज़ बीन योर बेस्ट कैंपेन दैट यू हैव वर्कड बेस्ट, और अगर एक डिफिकल्ट है तो दो बेस्ट बता देना। कैंपेन फिल्म भी बता दे, नहीं फिल्म ही पता है तो फिल्म ही बता दे, कैंपेन पता नहीं कितने देखा भी है कैंपेन, मुझे नहीं मालूम, मैंने खुद मेरे को पता नहीं, ये चीजें फिंगर टिप्स पे रहती हैं, इसको भूल जाती हैं, कैंपेन्स मुझे कैसे याद रहेंगे यार। फिल्म बताओ बाय फार, चलो बाय फिल्म ही बताओ, फिल्म। अच्छा, ओके, फिल्म्स में मेरी दो जो तीन जो फेवरेट रही हैं, क्योंकि तीनों के अपने अपने जॉनर्स हैं, अपने अपने स्टाइल्स हैं। एडमिटेड रही है जो कि एक फीचर लाइन डॉक्यूमेंट्री थी, एक 84 रही है जो कि शॉर्ट थी, थ्रिलर थी, ठीक है, एक रही है लकी कबूतर जो कि कॉमेडी थी। फिल्म जुबान लास्ट डेट भी मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। पाँच ये फिल्म मेरी फेवरेट रही हैं क्योंकि अपने अपने जॉनर की वजह से, अपने अपने स्टाइल ऑफ वर्क की वजह से, और इनके अपने अपने तगड़े एक्टर्स की वजह से, और हमारे डायरेक्टर्स की वजह से, डायरेक्टर की वजह से। हाँ, मैं इतनी देर से तारीफ कर ही जा रहा हूँ, मैंने एक एक क्रेडिट नहीं, हमारे सर की वजह से जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं सभी में इन्हीं का। तेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगता है जब मैं तेरे को फोन करता हूँ रात को, या कब तेरे को कुछ रूटीन बताना कैसे रहता है? अच्छा, ओके, सर का एक आई थिंक ये ना पता नहीं कब से इन्होंने पिक किया हुआ है, ये मुझे कॉल करके पूछेंगे भास्कर और बता क्या खबर है, क्या खबर है। अब मैंने इनको जब अपडेट दे दी है कि ठीक है ये हो रहा है और ये हो गया है और ये होने वाला है, उसके बाद जब भी मुझसे पूछते हैं कि भास्कर क्या खबर है, फिर मैं निकालता हूँ अपना गूगल खोलता हूँ और मैं न्यूज़ देखता हूँ, फिर मैं इनको बताता हूँ क्या खबर है, ठीक है। फिर ये मेरे से फ्रस्ट्रेट होकर बोलते भास्कर काम में क्या खबर है, अपना कम ईडियट वर्क्स में क्या खबर है। तो रात को
स्क्रिप्ट मतलब जो हमारा रीडिंग टाइम रहता है, राइटिंग टाइम रहता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम रहता है, वो क्या तेरे को बेस्ट फेज पसंद आता है? मुझे बेस्ट फेज पसंद आता है भाई साहब जब आता है लंच, डिनर, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, मतलब भाई साहब सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो बाहर होती है। भास्कर को कोई लेना देना नहीं, रूम फिल्म क्या बन रही है? नहीं आता, प्री प्रोडक्शन का काम होता है बाहर, हमेशा हमेशा खाने वाली जगह पे आप प्री प्रोडक्शन कीजिए, कभी भी ऐसे बंद कमरे में अच्छा नहीं लगता है। और हमेशा दो चार लोग होने चाहिए जिस जो कि मतलब बोल सके कि हाँ सर चलो कुछ खाते हैं, ठीक है ना, बढ़िया कुछ एग्जॉटिक, तब आता है मज़ा, तब लिखने में मज़ा आता है। सॉरी, लिखना भी ज़रूरी है, मतलब हम राइटिंग के लिए जाते हैं ना वहाँ पे, तो डिस्कशंस होती हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आजकल भी डिस्कशंस हो रही हैं, आजकल भी बड़ी सारी कहानियाँ निकल कर आ रही हैं। आई थिंक कढ़ाई पनीर आई थी और चावल आया था और रोटी आई थी, आई थिंक हाँ, और काली दाल और गुलाब जामुन आ गए थे। लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना कि वो एक फिल्म एडिटर भास्कर को सुन रहे हैं, कुछ भी बोली आ रही, कुछ भी मुझे मिलेगा ही नहीं, कहाँ काटूं मैं। टोटली अनप्लग्ड भास्कर, अनप्लग्ड ही है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों बैठ सकते हैं ना, तो बहुत टाइम सिर्फ दिन रात काम के बारे में बात करते हैं कि इसकी डेडलाइन आ गई है, इसका ये आ गया है, ये कट में ये चीज़ रिवाइज करनी है, कुछ है क्रिएट करना है, फ्यूचर प्लान्स हैं, हाँ बहुत चीज़ें हैं। अभी तक रोड मैप कैसा रहा है भास्कर, जर्नी विद रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट, पिनाका मीडिया वर्क्स, कैसी जर्नी रही है? रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के साथ मेरी जर्नी बहुत ही एंटरटेनिंग रही है, बहुत मेरे को, मैं ये बोलूँगा कि हमारी लाइफ बहुत स्पॉन्टेनियस रही है, मेरी स्पॉन्टेनियस लाइफ होती नहीं है, इन्हीं की वजह से हुई है, और काफ़ी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, काफ़ी अब सीखने को मिलता है, आप बंदे ही नहीं रहते कि आपको सेपरेट किया हुआ है, आप एडिटर हो, आपका पार्ट जो है बिल्कुल काम प्रोडक्शन के बाद और वो सब के बाद आएगा। मुझे क्योंकि इन्वॉल्व रखा जाता है तो मेरी, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लेवल से ग्रो करता हूँ, मुझे लगता है एज अ टीम मेम्बर ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आप टीम में ग्रो कर रहे हो बाकी के साथ। तुम्हें सेट पे आने का मौका कैसा लगा, मिला था, मतलब कि सेट पे आओ, क्या मोमेंट था जिसके बाद तुम्हें कहा कि तुम सेट पे ही आओ? अब मेरे ख्याल में ज़ुबान में क्योंकि ज़ुबान फर्स्ट हम शॉर्ट फिल्म अप्रोच कर रहे थे अंडर पिनाका मीडिया वर्क्स, अंडर पिनाका मीडिया वर्क्स सेटअप हुई थी, तो पहली फिल्म थी ज़ुबान विच वी प्रोड्यूस्ड, ज़ुबान और द लास्ट डेट, और उसी साल में दो शॉर्ट फिल्म, द टाइड ऑफ टाइम, जीएस लाइव, लोनलीनेस, और इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर बदलती सोच, एडमिटेड स्टार्ट हो गई थी, और मतलब वो एक गोल्डन टाइम था कि बैक टू बैक चल ही रहा था, है ना, और जैसे ही एडमिटेड का आई थिंक सेकंड शेड्यूल खत्म हुआ था, लकी कबूतर स्टार्ट हो गई थी भरी गर्मियों में, भास्कर जस्ट लाइक अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर, क्योंकि एडिटर के पास, एडिटर का रोल स्टार्ट होता है जनरली इन अ वेरी कन्वेंशनल प्रोसेस, स्टेप 4 या 5 पे एडिटर आते हैं, कि जब फुटेज शूट हो जाती है इन द इन एनी इंडस्ट्री, बहुत सारे एडिटर्स फ्रीलांस होते हैं बिकॉज दे आर एट द सेम टाइम वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस, तो उनके पास फुटेज आती है एंड देयर जॉब इज़ टू स्टिच द होल थिंग नैरेटिव अपनी इंटेलिजेंस से। तो भास्कर भी जब when he started, he was actually very demanding, little demanding and a little critical also, कि ये ठीक नहीं शूट हुआ, तो फिर then I thought कि let him involve, मतलब भास्कर को इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर जब भास्कर शूटिंग पे आते थे ना तो वो चीज़ों को समझते थे कि ये पेड़ के नीचे शॉट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पेड़ से पानी गिर रहा था और 4 रीटेक लेंगे तो एक्टर भीग जाएगा, तो थोड़ा पेड़ के ऊपर से क्योंकि बाल छा रहे होते थे, लाइट जा रही होती थी, वो परमिशन नहीं मिल रही होती थी, एडिटर का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसमें आइडियाज देना और पॉइंट पिन पॉइंट करना चीजें इजी हैं, लेकिन जब आप लाइव एनवायरनमेंट में आते हो जहां मौसम बदल रहा है, किसी को कोई आ नहीं रहा है, कोई लेट आ रहा है या कुछ भी है इशू, वो सब फेस करके उसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उसे एक शॉट को एग्जीक्यूट करना जिसके अंदर 4 बंदे हैं जो बात कर रहे हैं और चारों एट द सेम टाइम लोकेशन पे थे नहीं, ये पर उन्हें लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे बुलाया गया और उनके ब्लॉक शूट और गलती से अगर कुछ रह गया बीच में और अगले दिन दोबारा करना है और एक ने करा ली भाई साहब कुछ भी कटिंग करा ली है कुछ भी हो गया,
इनका ध्यान रखना इनका काम है इन चीज़ों का कि ना हो कंटिन्यूटी मैच हो सके, कुछ भी हुआ तो मैच हो सके, ये सब बैकअप तैयारी करके रखते हैं। हम ये नहीं करते हैं, हम शूट कर लेते हैं और फिर जी चलो आप वेले हो गए आप जाओ, अब बाद में पता चला हो ज़रूरत है और अगले दिन बंदे को बुलाया जी जी हो गया कंटिन्यूटी मिस्टेक, क्योंकि अगले इस पिछले शॉट में दाढ़ी थी, अगले शॉट में भाई साहब ने कटवा ली, अब वो नेक्स्ट शॉट में कैसे लेकर के आएंगे। तो इतने चैलेंजेस जो होते हैं ना वो लाइव ही आते हैं, वो हम आई लाइक माई जॉब। क्या 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 जॉनर लगता है हमने कर लिए? मुझे लगता है नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन कौन से कर लिए हैं, क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है मैं बताता हूँ। हमने हॉरर ट्राई नहीं किया, हमने प्रॉपर रोमांस ट्राई नहीं किया, ठीक है रोमांस बाजी मेरे ख्याल से नहीं कराएंगे, ठीक है हॉरर नहीं ट्राई किया, रोमांस नहीं ट्राई किया, हमने एक्शन नहीं ट्राई किया है, ठीक है हमने प्रॉपर पॉलिटिकल कुछ नहीं ट्राई किया है, ठीक है। तो हमारे लिए हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे जॉनर हैं। ये अलग आया बेटा, इधर आ, ये नीचे बेड लेट गया, बैठ गई है जो एक और आया क्या तुम, ये देखो ये नीचे दो आ गए हैं, अगर ये आपको हमारे शो में नहीं दिख रहे हैं तो हमारे पास दो लोग और भी हैं। हाँ जी, मुझे इनके नाम नहीं पता बट इन्हें पता लगा कि यहाँ कुछ तो पक रहा है, फन और एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ आ गए हैं। पाजी तुसे इंटरव्यू कितना सानू बुलाया नहीं, सानू बुलाया था कितना चलता हम बात कर रहे थे कि हमने एक्शन नहीं बनाई, रोमांस नहीं बनाया, पॉलिटिकल क्राइम नहीं बनाया, पसीना आ गया ये बात सुनते ही कि हमने तो काफी कुछ बनाया नहीं है। भास्कर तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ये अनचार्टेड वाटर्स हैं, हमने बहुत कुछ नहीं किया है। क्या है अनचार्टेड वाटर्स हैं, क्या ज्यादा हो गया सॉरी, ये बहुत सारा फील्ड है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन टाइम ये सब भी किया जाएगा, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो इन प्लानिंग है, बहुत कुछ आपके लिए लाया जा रहा है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, वही यार वो लाओ अपना सामान पैकेज। अच्छा कुछ लाया गया है? हाँ। हमें कुछ मिलेगा? हाँ। इतनी धूप में बैठ के बातें करने के लिए हमें हाँ। कुछ मिलना चाहिए, ले आओ कढ़ाई पनीर भाई कुछ, मतलब रोस्टेड कुछ लेके आना। तो ये हमारे पार्टनर्स और हमारे माय गॉड स्पॉन्सर्स की तरफ से, एरोमा मस्क की तरफ से, क्या बात है भास्कर, आपके लिए, आपके डेडिकेटेड हार्ड वर्क के लिए सम सरप्राइजेस। एंड हमारे एक और पार्टनर्स हैं एलिस्टोज, उनकी तरफ से भी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस। क्या बात है फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डू। शर्मा जी बुलाते रहा करो ऐसे शो में, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कि आप अपना अच्छा काम करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें, और मैं आपको बता दूं कि भास्कर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड वेरी ऑनेस्ट, ब्लंट अपफ्रंट एडिटर हैं। अगर आप कुछ भी देखो, इट हैपेंस विद एवरीवन, मेरे साथ भी हुआ है, हम सबके साथ हुआ है, बट यही बात बहुत अच्छी है कि कोई चीज़ आप तक पहुँचे वो बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद, जिसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस बिहाइंड द स्क्रीन जिसको हम कहते हैं, हमारे स्टूडियोज़ में, हमारे ऑफिसेज में दिन रात काम करते हैं ताकि आप लोग बेहतर फिल्में, बेहतरीन शोज़, अच्छे टॉक शोज़, अच्छे टेलीविजन एड्स, कमर्शियल्स, म्यूजिक वीडियोज़, जो भी आप देखते हैं, और भी बहुत कैटेगरीज हैं जो भी आप देखते हैं वो बहुत अच्छे स्तर से देखें, बहुत अच्छे अंदाज में बनी हुई चीज़ें देखें, एक मीनिंग के साथ देखें, चाहे वो आपको एंटरटेन करने के लिए बनाए जाएँ। तो कुछ हमारे एपिसोड्स पूरे सीज़न में हमारे एक ट्रिब्यूट रहेंगे उन लोगों को जो हमारे साथ बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, और वो दिन रात काम करते हैं, और बहुत स्तर में एक्टर्स से भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि एक्टर्स शॉट दे के चले जाते हैं बट एडिटर्स हो सकता है आधे मिनट की फिल्म के लिए 15 दिन 20 दिन पूरा टीम, प्रोडक्शन टीम काम करती है ताकि आप लोगों के सामने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन के आ सके। थैंक यू भास्कर फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे, अपनी वेकेशन से, जो मुझे पता लगा भास्कर छुट्टी पे आया है, और तो मैंने कहा कि छुट्टी पे ही क्यों ना भास्कर को पकड़ लिया जाए। जी है ना जी सर, मेरे मुझे जाने दीजिए, मुझे थोड़ी सी छुट्टी रहेगी, मैं मना लेना चाहता हूँ। सो कीप वॉचिंग रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अ लॉट मोर जो कि आ रहा है आप सब लोगों के मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट सब की स्क्रीन्स पे।
regardless of thank you so much for watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. आप देख रहे हैं RFE Unplugged, Rolling Frames Entertainment पे.